नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास राय कुमार। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा ये इंजन रिपेयर करने आया था, टॉपलैंड 5 HP का। तो पापा जो है इसका मतलब जो हेड है उसको क्लीन कर रहा है, मतलब जो वाले हैं उनको साफ कर रहा है, जिससे कंप्रेसर जो है आ जाए, क्योंकि ये इंजन काफ़ी दिन से मतलब ऐसे खड़ा था, तो इसका कंप्रेसर जो है मतलब वालों में जंग लग जाता है, तो वालों में जंग लगने से कंप्रेसर जो है ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैंने हेड को अच्छे तरीके से धर दिया है, गैसकेट भी डाल दी है, और गैसकेट डालने के बाद दोस्तों इसका जो है ना आपको नट अच्छे से टाइट करने हैं, क्योंकि अगर नट ढीले रह गए तो गैसकेट जो है फट जाएगी, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान दें। और दोस्तों पुश रॉड जो है अच्छे तरीके से बैठा लें, मतलब क्या होता है ना कि पुश रॉड अगर बैठेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा। टाइमिंग अगर फिट करी है तो मैंने पहिया को चला के देख लिया है, वाले जो है बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, इसके बाद टैपेट कवर रख देते हैं बेहतरीन तरीके। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दें, जो हेड होता है ना उसको अच्छे से टाइट करें, क्योंकि नहीं तो फिर वो गैसकेट फट जाती है। और पुश रॉड भी अच्छे से बैठा लें, कभी कभी पुश रॉड खिसक जाते हैं ना, नीचे बैठते हैं उसमें केम में सही तरीके से। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से आपको पंप की ठोकर भी कैसे सेट करना है आप चेक कर लेना। हालांकि इसका जो पंप है वो नया था, तो ठोकर थोड़ा सा मैंने मतलब कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं है, और आप एक दो सिम और निकाल सकते हैं, यानी नीचे कुछ रख भी सकते हैं। मतलब आपको पंप इतना सेट करना है कि एक दो सिम पंप दबना चाहिए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें दो चार सिम दबाना पड़ता है, पंप को काफ़ी दबाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पंप को मतलब ठोकर से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है, मतलब पंप ना दबे। तो आप ठोकर एडजस्ट करके देख लिया करें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कॉमेट इंजन होते हैं उनकी ठोकर थोड़ा सा कम होती है बड़े इंजन की हिसाब से, और आराम से आराम बड़ा इंजन होता है उसका एक या दो सिम पंप दबना चाहिए, उतने में परफेक्ट हो जाता है। तेल की सप्लाई दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन था, आराम से मारे लग गए ना कोनो। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन समस्या जानते हो कहाँ पे आई है, पूरा इंजन मैंने रिपेयर कर दिया है, फिर इंजन स्टार्ट किया है, तो फिर इंजन जो है स्टार्ट नहीं हुआ, इंजन स्टार्ट हो रहा था, जैसे मोबाइल डाल देते हैं तो इंजन स्टार्ट हो रहा था, बाकी नोजल का साउंड है वो बेहतरीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल की सप्लाई जो है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है तेल की सप्लाई में। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैंने कैसे रिपेयर किया है वो आपको मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कैसे स्टार्ट हो रहा है इंजन और कैसे अपने आप बंद हो जाता है। हालांकि इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी सही है, नोजल तेल भी दे रहा है बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों अगला पार्ट जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इसको मैंने रिपेयर कैसे किया है वो आपको पता चल जाएगा। इस इंजन को फिर से मुझे दोबारा खोलना पड़ा है, सब कुछ खोलना पड़ा है, फिर जाके ये इंजन जो है स्टार्ट हुआ है हाफ हैंडल में। देख सकते हैं दोस्तों यही समस्या हो रही थी, तो फिर मैंने कैसे रिपेयर किया है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आपको इस समस्या को कैसे सही करना है वो आपको पता चल सके।
और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक बहुत कम आते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो जैसे मैं इसको कैसे मैंने रिपेयर किया है वो जैसे ही डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बंद हो जाते थे स्टार्ट होने के बाद। खोले।